Hello friend, today I am discuss that write a program to enter four subject marks, find sum. हमें क्या करना है, four subject का marks enter करना है, उस particular number को हमको sum करना है. कैसे करना है इसके बारे में हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक header file include करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको has include, यहाँ पे has include std io.h, यहाँ पे stdio.h टाइप के हेडर फाइल आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है. आफ्टर दैट यहाँ पे int, यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करना है. सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन आपको डिफाइन करना है. जैसे आप मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे तो मेन फंक्शन के इनसाइड आपको क्या करना है, कोड डिजाइन करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर करना है. देन यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट, हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट, सबसे पहले फिजिक्स के लिए हमने यहाँ पे पी एच वाई, देन सी एच ई, यहाँ पे केमिस्ट्री, देन मैथ, देन हमने यहाँ पे कंप्यूटर. हमने यहाँ पे फोर सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करना है. तो हमें यहाँ पे एक सम टाइप की वेरिएबल की भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे. तो हमें क्या करना है, राइट यहाँ पे फोर सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर करना है और उस पर्टिकुलर नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है. कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले ये नंबर्स को डिक्लेयर कर देना है, वेरिएबल्स को. देन आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है, प्रिंट एफ. प्रिंट एफ में आपको मैसेज क्या पास करना है, एंटर फिजिक्स, यहाँ पे मार्क्स, इस तरीके से एक मैसेज पास कर देना है. देन आपको यहाँ पे स्कैनफ, स्कैनफ में आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज डी, यहाँ पे परसेंटेज डी, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एम परसेंट पी एच वाई, इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स एंटर कर लेना. सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री का मार्क्स एंटर करना है. तो यहाँ पे प्रिंटर में आप यहाँ मैसेज क्या पास करेंगे, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कैनर यूज करके इस पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन को, यहाँ पे स्कैन ऑफ फंक्शन यूज करके यहाँ पे एड्रेस ऑफ यहाँ पे क्या पास कर देना है, सी एच. सेम इसी तरीके से टू सब्जेक्ट्स के मार्क्स को और एंटर करना है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे मैथ पास कर देना है और यहाँ पे क्या पास कर देना, एड्रेस ऑफ मैथ. सेम इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर में यहाँ पे सी एच ई में क्या पास करना है, सी ओ एम पी. इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, एंटर फिजिक्स मार्क्स, यहाँ पे स्कैनर के थ्रू एड्रेस ऑफ पी एच वाई, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स, यहाँ पे स्कैनर के थ्रू एड्रेस ऑफ सी एच ई. देन हमने एंटर मैथ्स मार्क्स, यहाँ पे मैथ पास किया. देन हमने यहाँ पे कंप्यूटर. अब हमें क्या करना है, सम करना है. तो सम इज इक्वल टू फिजिक्स यहाँ पे प्लस केमिस्ट्री प्लस यहाँ पे मैथ प्लस यहाँ पे कंप्यूटर. हमने यहाँ पे क्या किया, फोर सब्जेक्ट का मार्क्स का यहाँ पे हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है. तो हमने इस तरीके से यहाँ पे सम क्लिक कर दिया. तो यहाँ पे आपके फोर सब्जेक्ट मार्क्स ऐड हो जाएंगे. देन आपको प्रिंट एफ मैसेज के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट कर लेना है. तो यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ जो आपने यहाँ पे मार्क्स टोटल एड किया है, परसेंटेज डी यहाँ पे कॉमा सम को प्रिंट कर लेना. इस तरीके से आपको क्या करना है, फोर सब्जेक्ट्स का मार्क्स यूजर से एंटर कराना है और देन उस पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड कर लेना है. जैसे आप ऐड करेंगे देन इस पर्टिकुलर मैसेज को आपको प्रिंट करना है. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न देन जीरो. इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिजाइन करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, देन यहाँ पे हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया. देन हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थे, हमने यहाँ पे वेरिएबल यहाँ इनिशियलाइज किए. देन हमने वन बाय वन ऑल सब्जेक्ट मार्क्स के हमने यहाँ पे एंटर किया. जैसे ही पर्टिकुलर मार्क्स हमारे एंटर हुए देन हमने यहाँ पे सम
के थ्रू यहाँ पे फोर सब्जेक्ट्स मार्क्स को हमने ऐड किया और देन यहाँ हमने प्रिंट कर लिया। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको डिजाइन करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक रन कोड और यहाँ पे रन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन थोड़ी देर पे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक मैसेज शो होगा एंटर फिजिक्स मार्क्स करके। तो यहाँ पे आपको फोर सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं और देन आप देखेंगे सम कैलकुलेट होकर आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स हमने मान लीजिए 45 पास किया, केमिस्ट्री मार्क्स हमने यहाँ पे 65 पास किया और देन हमने मैथ के मार्क्स यहाँ पे 75 और देन हमने कंप्यूटर के मार्क्स यहाँ पे 95 पास किया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिजाइन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।